जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जयनगर में छठ व्रतियों ने दिया अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध्य। रविवार को जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र के कई छठ व्रतियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घर व नदियों में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध्य दिया। वैश्विक महामारी कोरोना के नए कहर को देखते हुए छठ व्रतियों ने सुरक्षा के ख्याल से अपने घर पर ही छठ पर्व मनाना उचित समझा। वैसे कई छठ व्रतियों को पवित्र कमला नदी में डूबते सूर्य को अर्ध्य देते देखा गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्तिक माह के अपेक्षा चैती छठ बहुत ही कम महिलाएं करती है। छठ व्रती अपने घर की छत पर ही पानी की व्यवस्था की थी। स्थानीय आशा देवी ने कहा, महापर्व छठ में गाई जा रही गीत वेद मंत्र है, जिसके माध्यम से छठ व्रती सूर्य देव से सीधे साक्षात होते हैं। जब व्रती की हृदय से उगी है दीनानाथ डॉट डॉट गाती है तो वे सूर्य देव से सीधा संवाद करती है। जयनगर स्थित कमला नदी में आज चैती छठ के संध्या अर्ध्य को लेकर दिखा लोगों में आस्था का लहर। मधुबनी तथा आसपास की खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।